हेलो भाई, वेलकम टू दिस वीडियो। और गाइज, अभी भी मेरे ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं, तो यार बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ। और गाइज, आज की वीडियो में मैं एक रिचार्जेबल टेबल लैंप बनाऊंगा जो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और गाइज, इसे आप एक बार चार्ज करके 5 से 6 घंटे आराम से यूज कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए भाइयों, इस लैंप को बना लेते हैं। और गाइज, मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दिन भर जो भी मैं काम करता हूँ वो सारा का सारा काम मैं व्लॉग चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने ब्लॉग चैनल का, तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ब्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, आपको काफी मजा आएगा। और गाइस, अब चलिए इस लैंप को बना लेते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, इस लैंप को बनाने के लिए कुछ सामान की हमें जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये देखिए, एक हमें 4 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप चाहिएगी, ये आपको आसानी से दुकान से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बैटरी चाहिएगी 3.7 वोल्ट की, इसकी जगह आप यहाँ पर लैपटॉप की बैटरी भी ले सकते हो, तो कोई भी बैटरी ले लो आप। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल चाहिएगा, एक यहाँ पर जैक चाहिएगा और एक यहाँ पर इसे लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच चाहिएगा। ठीक है भाइयों, बस यही सामान चाहिए। और अब चलिए इस लैंप को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार का एक यहाँ पर पाइप चाहिए, ये पाइप आपको प्लम्बर की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो भाइयों, इसे हमें यहाँ पर लगभग 6 सेंटीमीटर काट लेना है। 6 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगा कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। और यहाँ पर अब हम निशान लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इससे हमारा निशान एकदम सीधा लगेगा इस तरीके से। तो अब चलिए इसे हम यहाँ पर पाइप को काट लेते हैं, और काटने के लिए हमारे पास ये ब्लेड है, ये देखिए। तो भाइयों, देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरीके से काट लिया, ये देखिए गाइस, बहुत ही शानदार कटा है। तो इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। और गाइस, अब हमारे पास यहाँ पर हमने पाइप को काट करके इस प्रकार से ये प्लेट बना रखी है, और ये प्लेट भी मैंने इस पाइप को काट करके गर्म करके बनाई है, ठीक है। तो अब इस प्लेट से हमें यहाँ पर 2 इसके छल्ले बनाने हैं जो इसके आगे और पीछे लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रख देंगे जो हमने पाइप काटा है, और अब पेंसिल की मदद से इसके अंदर हम यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया। और अब चलिए इसी ब्लेड की सहायता से हम यहाँ पर ये छल्ले को भी काट लेते हैं। तो भाइयों, देख सकते हैं हमने दोनों छल्लों को काट लिया, ये देखिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बॉडी तैयार हो चुकी है। एक छल्ला हमारा इधर लग जाएगा, ये देखिए, और एक हमारा लग जाएगा दूसरी साइड इसी प्रकार से, ठीक है भाइयों। तो अब चलिए यहाँ पर इसके अंदर का जो सर्किट है उसे तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो यहाँ पर 4 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप है, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर इस एक छल्ले के ऊपर लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 LED स्ट्रिप को लगाऊंगा, ठीक है भाइयों। तो हमें ये लगभग इतनी इतनी काट लेनी है। तो चलिए अब इसे यहाँ पर 6 LED को काट लेते हैं। तो काटने के लिए हमारे पास ये कटर है, तो 6 LED पे हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से कट हो जाएगा, देखिए निशान दे रखे हैं इसमें। तो भाइयों, इस प्रकार से ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी एलईडी को काट लिया है, 3 स्ट्रिप हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। तो अब इन स्ट्रिप को हमें यहाँ पर इस ढक्कन पे इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। और चिपकाने के लिए मेरे पास यहाँ पर LP है, तो LP की मदद से मैं इसे यहाँ पर चिपका देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पर हम एक एक करके चिपका लेते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो भाइयों, ये देख सकते हैं मैंने सारी एलईडी स्ट्रिप को अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और अब चलिए भाइयों, इनके कनेक्शन कर लेते हैं। और जोड़ने के लिए हमारे पास ये तार है, देखिए। तो इस तार से हम यहाँ पर सभी स्ट्रिप को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ लेते हैं इनको। और तीनों के मैं पैरेलल में कनेक्शन करूंगा, यानी प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, इस प्रकार से हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए भाइयों, यहाँ पर देखिए मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। और अब चलिए यहाँ पर आगे वाले कनेक्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आगे भी कनेक्शन करने हैं। तो भाइयों, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीनों कनेक्शन को एक साथ जोड़ दिया है, ये देखिए। और अब इनमें से यहाँ पर प्लस माइनस आप बाहर निकाल दीजिए, और सीधे बैटरी को लगा करके इसे चालू कर सकते हैं। तो प्लस माइनस मैं यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। तो चलिए, प्लस माइनस के लिए हम यहाँ पर तार लगा देते हैं, और तार हम यही यूज कर लेते हैं। तो चलिए भाइयों, यहाँ पर कनेक्शन को कर लेते हैं। और अब चलिए भाइयों, हमें यहाँ पर एक होल करना है जिससे तार ये नीचे की साइड पीछे की साइड हम ले जाएं। और होल करने के लिए हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, तो मैं यहाँ पर होल कर देता हूँ इस प्रकार से, ये देखिए भाइयों, हमने तार को भी बाहर निकाल दिया है। तो चलिए एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूं। तो ये देखिए भाइयों, सारी एलईडी बहुत अच्छी तरीके से जल रही है, इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही हुए हैं। और अब चलिए, ये जो हमने तैयार किया था, तो यहाँ पर इसके ऊपर इस ढक्कन को इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक माइका शीट है, पन्नी की शीट, तो इसे हम यहाँ पर इसके ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। और इसे लगाने के लिए हम यहाँ पर LP का यूज करेंगे, LP से ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर लग जाएगी। तो इस प्रकार
प्रकार से हमारी ये पन्नी भी हमने यहाँ पर लगा दी है और अब ये पन्नी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेगी, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी अब यहाँ पर। और एक्स्ट्रा इसकी पॉलिथीन को हम काट सकते हैं और काटने के लिए हमारे पास ये चाकू, ये देखिए आसानी से ये कट जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये सारे को काट दिया, ये देखिए बहुत ही आसानी से कट गया है, आप देख सकते हैं। और भाइयों अब चलिए ये जो हमारा यहाँ पर इसका बेसमेंट था तो इसके अंदर हम इसे इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर हम लगा देते हैं इसको बहुत ही आसानी से, ये देखिए। तो ऐसे मैंने डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा हल्का सा दबाना है हमें। और अब चलिए यहाँ पर हल्की सी एलपी डाल देते हैं जिससे कि ये अपनी जगह यहीं पर रहे, ठीक है, यहाँ से ना उतरे ये। और अब चलिए ये जो पीछे वाला इसका ढक्कन है तो इस ढक्कन में हम यहाँ पर ये बटन और इसका ये स्विच यहाँ पर लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर होल करना पड़ेगा और होल करने के लिए हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, तो चलिए होल कर लेते हैं इस प्रकार से। तो भाई देख सकते हैं एक होल तो हमने कर दिया है और दूसरा हम इस जैक के लिए करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इस होल को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं और इसके लिए भी मैं ड्रिल मशीन का ही यूज करूंगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम इस प्रकार से, देखिए। और अब चलिए जो स्विच है हमारा इसको भी हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए भाइयों बहुत ही आसानी से यहाँ पर दोनों जैक और स्विच हमने लगा दिया है। और हमारा मेन बॉक्स ये रहा लाइट वाला, तो ये रहे इसके तार, ये देखे थोड़े से छोटे रह गए थे, मैंने बढ़ाए हैं, ठीक है भाइयों। तो अब चलिए इसमें यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं और जैक लगा देते हैं, ठीक है भाइयों। बैटरी ये रही और जैक ये रहा, तो चलिए इस बैटरी को मैं यहाँ पर चिपका लेता हूँ और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर फेविकोल का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये रहा अपना फेविकोल और चलिए अब यहाँ पर इस फेविकोल से मैं यहाँ पर इस बैटरी को चिपका लेता हूँ। तो भाई बैटरी हमारी अच्छी तरीके से चिपक गई है और अब चलिए बैटरी के कनेक्शन स्विच से और लाइट से कर देते हैं। तो ये रही हमारी लाइट और अब चलिए इस लाइट के जो तार हैं इनमें से एक तार, कोई भी एक तार आप यहाँ पर बैटरी के साथ सीधा जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं ब्लैक वाला तार बैटरी के माइनस पॉइंट से सीधा जोड़ रहा हूँ, ये देखिए। और बचा हमारा बैटरी का प्लस वायर, ये देखिए बैटरी का प्लस वायर है, तो इस वायर को हमें स्विच के थ्रू यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तभी बैटरी का करंट आगे जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है और अब यहाँ पर एक छोटा सा वायर, आपको जरूरी नहीं रेड ही लगाना, आप ब्लैक भी लगा सकते हो, तो मैं ब्लैक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको छोटा सा वायर यहाँ पर लगाना है स्विच पर और अब इस वायर को सीधे हमें बैटरी के साथ में जोड़ देना है। तो गाइस हमने देखे यहाँ पर सारे कनेक्शन कर दिए है बैटरी के। तो भाई इस प्रकार से बैटरी के कनेक्शन तो सीधे लाइट के साथ में हो चुके हैं। अब हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें यहाँ पर चार्जर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, जो ये रहा, ये देखिए ये चार्जर मॉड्यूल है। इसमें जैक नहीं है क्योंकि जैक उखड़ गया था, तो उसकी जगह हम यहाँ पर ये बाहर वाला जैक ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो इस जैक को हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर आसानी से हम लगा लेंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर इस जैक को, ठीक है। तो लगाने से पहले आप इसके कनेक्शन कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से कनेक्शन हो जाएंगे। एक बार मैं आपको कनेक्शन इसके बता दूं, तो ये देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा बैटरी लिखी हुई है B+B-, तो ये तो इसकी आउटपुट है। और यहाँ पर इसमें हम इनपुट लगाएंगे, तो चलिए पहले इसमें इनपुट लगा देते हैं ये वाले वायर, तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको लगा करके दिखा दूं, ये देखिए गाइस। तो ये देखिए हम यहाँ पर माइनस पे तो ब्लैक वाला वायर लगा रहा हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप लगा दोगे। और बचा इसका प्लस वाला वायर, ये वाला, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर प्लस पर लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भाइयों हमने चार्जिंग मॉड्यूल में जैक के कनेक्शन कर दिए हैं, यानी इनपुट कनेक्शन, और बचे इसके आउटपुट कनेक्शन। तो आउटपुट कनेक्शन सीधे यहाँ पर लगाकर बैटरी में लगा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक तार की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर इसके आउटपुट के कनेक्शन है। तो चलिए इसको लगा देते हैं फटाफट से। तो ये मैंने लगा दिया है प्लस वाला वायर, अब इसी तरीके से हमें माइनस वाला वायर भी लगा देना है यहाँ पर। तो गाइज मैंने दोनों तार को यहाँ पर लगा दिया है, एक बार मैं नजदीक से दिखा दूँ। ये इसके इनपुट वाले वायर है, ये देखिए जैक में सीधे, और आउटपुट वाले वायर यहाँ पर देखिए B+B- लिखा हुआ है, तो इसकी यहाँ पर पिछली साइड में मैंने लगा दिए हैं तार। तो इस प्रकार से ये तार हमारे लग गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इन दोनों वायर को हम बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लस तो ये रहा और बचा हमारा यहाँ पर ब्लैक वाला वायर, यानी ये माइनस है, तो माइनस को आपको डायरेक्ट माइनस के साथ में लगा देना है। तो भाइयों इस प्रकार से हमने देखिए सारे कनेक्शन कर दिए हैं, पूरा हमारा सर्किट तैयार हो चुका है, ये देखिए। और अब चलिए ये जो हमारा यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल है इसको हम यहाँ पर चिपका देते हैं और पूरे सर्किट को भी हमें चिपकाना है इसी प्रकार से।
तो चलिए इसको मैं यहाँ पर इस फेविकोल की मदद से चिपका देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये चिपक जाएगा। यहाँ पर चिपका लेते हैं कुछ इसी प्रकार से, देखिए गाइस। तो एलपी से भी मैं यहाँ पर इसको चिपका देता हूँ ताकि ये और भी जल्दी चिपक जाए। तो भाई ये देख सकते हैं चार्जिंग मॉड्यूल हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है और इस प्रकार से हमारा सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब चलिए इस डब्बे को हम इसी प्रकार से बंद कर देते हैं, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से बंद कर दिया है और अब चलिए यहाँ पर एलपी लगा दीजिए जिससे कि ये अपनी जगह स्थिर हो जाए, यहाँ से ना हिले, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से हमने एलपी से इसे अच्छे तरीके से चिपका दिया है और ये देखिए लाइट हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब चलिए इसका स्टैंड मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये स्टैंड मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखा है, ये देखिए। तो एक्चुअली ये एक मैंने मोबाइल स्टैंड बनाया था, ये देखिए यहाँ पर मोबाइल आप आसानी से रख सकते हो। तो गाइज ये मैंने पहले इसका वीडियो बना रखा है, आपको थंबनेल दिख जाएगा साइड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो एक ही चीज दोबारा क्या बनानी, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, इसी स्टैंड को मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसका मैं ऊपर वाला हिस्सा ये उतार रहा हूँ और अब चलिए इसका ये वाला हिस्सा हमें यूज करना है। देखिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लगाने के लिए हमें यहाँ पर छोटी छोटी दो प्लास्टिक मैंने काटी हुई है, ये देखिए, ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े काटे हुए हैं मैंने। और गाइज ये मैंने इस प्लास्टिक से काटे हुए हैं, ये देखिए। तो गाइज आप इस प्लास्टिक से इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े आसानी से ब्लेड की सहायता से काट सकते हैं। तो चलिए भाई इन टुकड़ों को गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के लिए हमारे पास ये हीट गन है, ये देखिए। तो चलिए इसकी सहायता से मैं आपको गर्म करके इन्हें बैंड करके इनका हुक बना करके दिखाता हूँ। तो चलिए गर्म कर लेते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पहला हुक बना लिया है और इसी प्रकार से हमें दूसरा हुक भी बना लेना है। चलिए उसको भी बना लेते हैं। भाइयों इस प्रकार से दोनों हुक को आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर दोनों हुक हमने बना लिए, ये देखिए। और अब हमारी लाइट ये रही, तो हमें यहाँ पर ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे लगाना है। तो यहाँ पर मैं दोनों हुक को लगा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाइयों। लगाने के लिए एलपी का मैं यूज करूंगा। तो ये देखिए एक मैंने लगा दिया है और दूसरे को भी हमें इसी प्रकार से यहाँ पर लगा देना है। तो भाई इस प्रकार से हमने दोनों हुक को यहाँ पर लगा दिया है और ये देखिए काफी गैप है इनमें, तो गैप को भी हम गर्म करके इसके खत्म करेंगे। तो चलिए इसको खत्म कर लेते हैं गैप को। तो भाइयों देख सकते हैं ये गैप अपने आप ही खत्म हो जाएगा गर्म करने पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमें इतना ही गैप चाहिए था। और अब हमारा स्टैंड ये रहा, आप देख सकते हैं। तो इस स्टैंड में हमें ये इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है, ये देखिए गाइस। इस प्रकार से हम यहाँ पर होल भी कर देंगे, ठीक है भाई। तो चलिए होल कर लेते हैं इसमें। और होल करने के लिए हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, ये देखिए। तो चलिए बहुत ही आसानी से हमारा होल यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए। नट बोल्ट भी हम लगा देते हैं। तो नट हमारे पास ये रहा और चलिए यहाँ पर नट बोल्ट भी हम बहुत ही आसानी से लगा देंगे। तो गाइस इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इस तरह के लाइट को तैयार कर सकते हैं। तो भाइयों देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दिया है, तो काफी बढ़िया लग रही है देखने में, ये देखिए गाइस, ये रही हमारी लाइट और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए गाइस अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये देखिए। जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये चालू हो जाएगी, देखिए मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए मैंने दबा दिया और लाइट हमारी चालू हो चुकी है, ये देखिए। इस प्रकार से आप इसे कहीं पर भी रखिए, बहुत ही अच्छी लाइटिंग आपको यहाँ पर देगी है। तो भाई इस प्रकार से हमारा लैंप बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो इस प्रकार से, ये देखिए, जितनी आपकी मर्जी उतना आप इसे रख सकते हो। तो ये देखिए गाइस देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है। इस स्टैंड की वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे ब्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, नीचे उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पर भी आपको बहुत मजे आने वाले, क्योंकि दिन भर जो भी मैं काम करता हूँ वो सारा का सारा काम मैं ब्लॉग चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस ब्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और आज के वीडियो में भाइयों इतना ही, आई होप ये लैंप आपको पसंद आया होगा और इसे बना करके भी आप जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।